إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في شأن حبيب الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات، आज हम उस साझे अब्दस को सलाम अर्ज करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं जो वजह तब्दील कायनात है। मेरी मुराद आए जो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साझे अब्दस से है। आज मेराज की रात है जो तमाम उम्मत मुस्लिमों के लिए सादत है और इस पुर मुसल्लम मौके पे मैं आपके सामने इख्तियारात मुस्तफा पर बयान करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ हबीब आप ना होते तो ये कायनात ना होती। तो अब ये मालूम हो गया कि इस कायनात के जर्रे जर्रे को जो वजूद बख्शा गया वो सिर्फ मेरे आका का सदका है। अब देखिए आसमान के शामी आने को वजूद बख्शा गया तो वो मेरे आका का सदका है। जमीन के फर्श को वजूद बख्शा गया तो वो मेरे आका का सदका है। पेड़ों को वजूद बख्शा गया तो वो मेरे आका का सदका है। दरियाओं की रवानगी चल रही है वो मेरे आका का सदका है। पहाड़ों के बुलंदियों को देखिए वो मेरे आका का सदका है। अलर्ज ये कायनात के तमाम चीजें मेरे आका का सदका है। जैसे कि हदीस शरीफ में सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपने अपने रब को देखा है? मेरे आका फरमाते हैं मैंने अल्लाह ताला को देखा है। वो नूर ही नूर है, जहाँ से भी देखा वो नूर ही नूर है। अब मालूम हो गया कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक को अपना दीदार करवाया और वो एक ही ऐसी हस्ती है जिसको तारे दीन भी अता की। हजरत मूसा अलैहि सलाम पहाड़ पर एक तजल्ली को बर्बाद ना कर सके, लेकिन मेरे आका तो कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने अपने रब को देखा है और वो कायम नूर ही नूर है। इतना ही नहीं, जब मुशरिकीन मक्का ने मेरे आका से मौजूदे का मुतालबा किया तो मेरे आका ने चांद के दो टुकड़े कर दिए। चांद के दो टुकड़े करना, सूरज को डूबते हुए लौटाना, ये कोई आम बात नहीं, ये सिर्फ मेरे आका का इख्तियार है। हजरत अस्मा बिन्ते उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हो रही थी जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक हजरत अली अलैहि सलाम की गोद में था। असर का वक्त जा रहा था, यहाँ तक के सूरज ग़ुरूब हो गया था। हजरत अली अलैहि सलाम की नमाज अदा नहीं हुई थी। मेरे आका ने दुआ की, ऐ अल्लाह अली तेरे और तेरे रसूल की इताअत में था, तू इस पर सूरज वापस लौटा दे। तो मेरे हजरत उस्मान बिन उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती है कि मैंने सूरज को ग़ुरूब होते हुए भी देखा और ग़ुरूब होने के बाद तुलू होते हुए भी देखा। अब देखिए मेरे आका के क्या इख्तियारात है। अब बात नादान है जो इतने वाजे इख्तियारात होने के बाद इससे मुनकिर है। अल्लाह उन तमाम को नेक हिदायत दे और हमको उनकी जहनियत से महफूज रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं सही